ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं महेंद्र कदम मायावी रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, बहुत सारे मेरे नए और पुराने क्लाइंट, उनकी ये भी एक शंका होती है कि रुद्राक्ष शरीर पर एग्जैक्टली कहाँ पर धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष को शरीर पर एग्जैक्टली कहाँ पर धारण करने से हमको उसके 100% डिज़ायर रिजल्ट्स, अपेक्षित रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपको मेरा ओपिनियन सजेशन इस बारे में जानना है, तो एक विनंती है कि ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और आपके जैसे लाइक माइंडेड लोगों में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलता रहेगा, वैसे मेरे जितने पॉसिबल है मैक्सिमम वीडियोस देखिए और रुद्राक्ष के बारे में आपका ज्ञान बढ़ाइए। मुझे मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचूंगा, वो जितने ज़्यादा लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे, इनकरेज करेंगे, उतना मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊँगा और आपके लिए हर पॉसिबल स्पिरिचुअल आर्टिकल की जानकारी आपके तरफ आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आइए फिर आज के एग्जैक्ट विषय को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रुद्राक्ष को हाथ में पहनना चाहिए या गले में पहनना चाहिए। हाथ में पहनना चाहिए तो कौन से, राइट हैंड में पहने या लेफ्ट हैंड में पहने, या गले में पहने तो फिर कोई स्पेसिफिक लेंथ पे पहने, या कहाँ पे पहने एग्जैक्टली, कृपया मार्गदर्शन करिए। देखिए कैसा है ना दोस्तों, कि रुद्राक्ष अगर ओरिजिनल है और आपने उसको परफेक्ट रिकमेंडेशन लेके, एक्सपर्ट से रिकमेंडेशन लेके अगर उसको परचेज़ किया है, उसको अच्छी तरीके से बांधा हुआ है, स्ट्रिंग किया गया है, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा यानी कि उसकी पूजा एनर्जाइजिंग प्रोसेस करके आपको दिया हुआ है, तो आप उसको शरीर पे कहीं पे भी धारण करेंगे तो वो 101% काम करता है। कोई मैंडेटरी या ऐसी नेसेसरी चीज़ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मुखी का रुद्राक्ष आपको आपके शरीर पे किसी स्पेसिफिक जगह पे पहनना ही ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, मनगढ़ंत बात है। कैसा होता है कि आपका कंफर्ट, आपकी सहूलियत, आप रुद्राक्ष आपके शरीर पे कहाँ पे पहनने में कंफर्टेबल है, ये ज़्यादा मैटर करता है। और आप सोचिए कि अगर एक कोई पर्सन बहुत सारे रुद्राक्ष पहन रहा है, तो आप उसको बोलेंगे कि ये स्पेसिफिक मुखी राइट हैंड में पहन, दूसरे स्पेसिफिक मुखी लेफ्ट हैंड में पहन, फिर जो बचे हुए वो हाथ में पहन, तो वो वैसे भी पहनने वाला ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा नहीं। ऐसा होता है, तो इंसान का कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप किसी के कहने के अनुसार अगर आपके मन के अगेंस्ट, इच्छा के विरुद्ध जाके ये रुद्राक्ष पहनेंगे तो वैसे भी वो काम नहीं करेगा, करेक्ट। तो आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से रुद्राक्ष पहनना है, फिर वो आपको अच्छा लगता है गले में पहनने तो गले में पहनिए, आपको हाथ में अच्छा लगता है तो हाथ में पहनिए। रुद्राक्ष कहीं पर भी पहनेंगे तो 100% काम करता है। अभी कुछ लोग हाथ में नहीं पहन सकते क्योंकि उनको विजिबिलिटी का कंसर्न होता है, तो लोग देखते हैं, पूछते हैं क्या है, क्यों लिया, कहाँ से लिया, तो वो सारी इंक्वायरीज़ वो वेयरर को आते रहते हैं बार बार, तो वो परेशान हो जाता है। तो कुछ लोग गले में, तो वो लोग हाथ गले में पहन सकते हैं, जो कुछ लोग गले में पहनने के लिए कम्फर्टेबल नहीं होते हैं तो वो कुछ लोग हाथ में पहनते हैं। तो ऐसा होता है, तो कोई स्पेसिफिक नेसेसरी अपनी शरीर की जगह नहीं जहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो ही वो काम करता है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा, आपके आपके मनी की या पैसे की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये गलत बात है। अभी जैसे क्या होता है कि हाथ में जैसे मैंने कहा कि हाथ में विजिबिलिटी का कंसर्न होता है, तो मैक्सिमम लोगों को रुद्राक्ष गले में पहनना ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है, क्योंकि वो शर्ट के अंदर, टी शर्ट के अंदर या कोई भी वेयर के कपड़े के अंदर वो रहता है, तो विजिबिलिटी का कंसर्न भी वैसे होता नहीं है। और अगर पर्सन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रुद्राक्ष भी पहनता है तो वो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सारे एक ही धागे में गले में आ जाते हैं, उस पर्सन को वो कोई अलग अलग रुद्राक्ष शरीर के अलग अलग हिस्सों पर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैक्सिमम लोग गले में ही रुद्राक्ष पहनना कम्फर्टेबल करते हैं, फिर वो कोई एक कोई स्पेसिफिक एक मुखी का, मतलब कोई भी एक रुद्राक्ष हो या मल्टीपल हो, सिद्धमाला हो या इंद्रमाला हो या कोई भी कस्टम कॉम्बिनेशन हो, पहनने वाला पर्सन गले में रुद्राक्ष पहनने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो ध्यान में रखिए, कोई डाउट, शंका या टेंशन लेने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रुद्राक्ष पहनना है तो आप एक्सपर्ट से रिकमेंडेशन लीजिए। अगर आपको ठीक ठाक लगता है कि महायोगी रुद्राक्ष से रिकमेंडेशन लेना है, तो हम लोग 24/7 आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप
कभी भी हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपकी रुद्राक्ष के बारे में कोई भी क्वेरी है, रिक्वायरमेंट है, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो बेझिझक होके आप हमको कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे सबको मैक्सिमम एट द अर्लीस्ट हेल्प कर सके और उनकी लाइफ अच्छे के लिए चेंज कर सके, क्योंकि अगर उनकी लाइफ अच्छे के लिए चेंज होती है तो वो व्यक्ति से ज़्यादा महायोगी रुद्राक्ष या फिर हमको ज़्यादा खुशी महसूस होगी, क्योंकि हमको इन रिटर्न उनके आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो इसी नोट पर मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।